दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा बजट के साथ में ही अच्छे स्मार्टफोन परचेस किए जाएं, कम बजट पर भी हमें काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों इस सेल में आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्राइस पर काफ़ी अच्छे और दमदार स्मार्टफोन्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यहाँ पर कुछ टॉप 3 ऐसी डील्स के बारे में जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स मिल रहे हैं 12,000 रुपये की प्राइस पर। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप सच में एक पावरफुल स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं इस प्राइस पर तो दोस्तों आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपकी डिवाइस पर टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस लिस्ट को और सबसे पहले बात करते हैं नंबर 3 की। और दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में हालांकि ये स्मार्टफोन आपको नंबर 3 पर मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों कैमरा, डिस्प्ले और बैटरी के मामले में ये स्मार्टफोन इस प्राइस पर जबरदस्त होने वाला है। और दोस्तों ये स्मार्टफोन है सैमसंग का गैलेक्सी F22। चलिए डिटेल में जानते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के बारे में। तो गाइस ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा मोटा देखने को मिलेगा, 9.4 मिलीमीटर थिकनेस के साथ में स्मार्टफोन आता है। साथ ही स्मार्टफोन का वेट है 203 ग्राम। तो इसका मतलब कि ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर बल्की और साथ ही साथ थोड़ा सा मोटा देखने को मिलेगा, और वो भी दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की वजह से, क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसको तेजी से चार्ज करने के लिए 15 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और चार्जिंग के लिए टाइप सी की पोर्ट मिल जाती है। तो बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करें स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो फोन के अंदर 6.4 इंचेस की डिस्प्ले दी गई है, जहां पर आपको HD+ का रेजोल्यूशन और साथ ही साथ सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस दोनों स्मार्टफोन से आपको यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी और भी अच्छी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पर इनडोर और आउटडोर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही दोस्तों गेमिंग के लिए 90Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट दिया गया है। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं यार कि सैमसंग की जो डिस्प्ले होती है वो काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज होती है, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं कैमरास की दोस्तों। तो बैक में आपको यहाँ पर 4 कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 का अल्ट्रावाइट, 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर कैमरा आउटपुट भी काफी अच्छा मिल जाएगा, तो उससे भी कोई शिकायत नहीं होने वाली है। साथ ही आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। कैमरा मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको MediaTek Helio G80 का चिपसेट दिया गया, जो कि 12nm फैब्रिकेशन के साथ में आता है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर भी आपको लगभग 2 लाख के आसपास के अंततः स्कोर देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहां पर समझ चुके होंगे कि परफॉर्मेंस और गेमिंग आप यहां पर अच्छी कर सकते हैं, दोनों में आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आएगी। इन सभी के अलावा यहाँ पर आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm जैक और ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और दोस्तों सैमसंग का फोन है तो आपको यहाँ पर UI भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड 11 बेस 1UI 3.1 के साथ में स्मार्टफोन मिल जाता है, जहाँ पर आपको यूजर इंटरफेस में भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। और दोस्तों स्मार्टफोन की एक और अच्छी बात है कि इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर सैमसंग की ऑफिशियल नॉक सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब आपका जो डेटा है वो भी पूरी तरह से सिक्योर होने वाला है। सो गाइस यहाँ पर भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर इस बजट के अंदर एक अच्छा कैमरा, अच्छी डिस्प्ले या फिर दोस्तों एक अच्छी बैटरी वाला स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस फोन के साथ में जा सकते हैं। ये फोन आपको मिल रहा है यहाँ पर 4GB RAM, 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 12,000 रुपये की प्राइस पर। और दोस्तों नॉर्मली ये स्मार्टफोन आपको मिलता है 13,000 रुपये की प्राइस पर, तो बिना बैंक ऑफर सप्लाई किए आप इस स्मार्टफोन को 12,000 रुपये की प्राइस पर परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर कैमरा से थोड़ा मोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन बाकी की जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको काफ़ी अच्छी चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनफिनिक्स की तरफ से आने वाला इनफिनिक्स का नोट 11 है, क्योंकि ये फोन आपको यहाँ पर 1.9 मिलीमीटर थिकनेस के साथ में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ और सिर्फ 184 ग्राम का देखने को मिलता है। इसका मतलब दोस्तों पतला होने के साथ साथ ये आपको थोड़ा सा लाइट वेट भी देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इन सभी के अलावा प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है, लेकिन दोस्तों बैक में आपको यहाँ पर मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिशिंग दी गई है, तो लुक आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मिल जाता है। लुक वाइज आपको यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको 6.7 इंचेस के साथ में फुल HD+ का रिजोल्यूशन और एमोलेड पैनल का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहां पर NEG DinoRex T2X का प्रोटेक्शन दिया गया है, और साथ ही आपको यहां पर 650 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब इनडोर और आउटडोर में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। गेमिंग के लिए नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है। डिस्प्ले आपको यहाँ पर A+ यानी दोस्तों बहुत अच्छी देखने को मिलेगी।
वहीं पर बात कर ले कैमरास की, तो यहाँ पर आपको बैक में 50+2 मेगापिक्सल के दो कैमरा देखने को मिलेंगे और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको कैमरा आउटपुट भी अच्छा मिलने वाला है, साथ ही साथ आप यहाँ पर फ्रंट कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर और बैक कैमरा से आप यहाँ पर 2K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps। कैमरा मॉड्यूल से भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है जिसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। तो नो डाउट दोस्तों बैटरी मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिलने वाला है, 1 घंटे के अंदर ये जो स्मार्टफोन है फुल चार्ज हो जाएगा। इसके साथ में बात कर ले परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर MediaTek Helio G88 का लेटेस्ट वाला प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा जो कि 12nm फैब्रिकेशन के साथ में आता है, जहाँ पर लगभग आपको 210,000 के आसपास के अंततः स्कोर भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि आप यहाँ पर इजिली डे टू डे टास्क और नॉर्मल गेमिंग वगैरह काफी आसानी से कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। इन सभी के अलावा दोस्तों इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm जैक, ट्रिपल कार्ड के स्लॉट और साथ ही साथ आपको यहाँ पर गेमिंग के लिए और कंटेंट वॉच करने के लिए अच्छी खासी ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। ऑडियो भी आपको यहाँ पर अच्छी और लाउड देखने को मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों बात कर लें यहाँ पर OS की, तो ये फोन आपको Android 11 बेस XOS 10 पर देखने को मिल जाता है। हालांकि आपको यहाँ पर अभी भी थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर ऐप देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो आपको पहले से काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो अगर एक लाइन में कहा जाए तो अगर आप यहाँ पर एक बेस्ट ऑलराउंडर परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आप इस फोन के साथ में जरूर से जा सकते हैं। ये फोन आपको मिल रहा है 4GB रैम 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 12,499 रुपए की प्राइस पर। और वैसे दोस्तों इस समय सेल चल रही है तो आप यहाँ पर बैंक ऑफर्स लगा करके इस स्मार्टफोन को 11,749 रुपए की प्राइस पर भी परचेस कर सकते हैं। और गाइज अगर आप अपना बजट यहाँ पर 1,000 रुपए और बढ़ा सकते हैं या फिर दोस्तों बैंक ऑफर्स अप्लाई करने के लिए तैयार हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक काफी धमाकेदार स्मार्टफोन मिल रहा है। और गाइज ये स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स की तरफ से ही आने वाला इन्फिनिक्स का नोट 11S। बात करते हैं पहले परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर हमें यहां पर MediaTek Helio G96 का चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि 12nm फैब्रिकेशन के साथ में आता है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात कर ले गेमिंग परफॉर्मेंस की तो आपको यहां पर ओवरऑल अंततः स्कोर देखने को मिल जाते हैं लगभग 3.5 लाख के आसपास के। और वहीं पर दोस्तों बात कर ले यहां पर स्मार्टफोन के Geekbench स्कोर की तो वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं अराउंड यहां पर 495 पॉइंट, जहां पर दोस्तों हमें Geekbench स्कोर बताता है स्मार्टफोन की ओवरऑल CPU परफॉर्मेंस, वहीं पर दोस्तों अंततः स्कोर हमें बताता है स्मार्टफोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में। सो गाइस 3,40,000 इस प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे स्कोर हैं, तो आप यहां पर इजीली PUBG, फ्री फायर या फिर COD जैसे गेम्स काफी आसानी से खेल सकते हैं विदाउट फ्रेम ड्रॉप दोस्तों, तो ये काफी अच्छी बात होने वाली है। साथ ही गेमिंग को और भी ज्यादा बूस्ट करने के लिए आपको यहां पर थर्मल पेस्ट का सपोर्ट मिलेगा और इसके अलावा आपको यहां पर डार्लिंग 2.0 भी देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आपको यहां पर थोड़ी सी और इनहेंस गेमिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस देखा जाए तो गेमिंग और साथ ही साथ परफॉर्मेंस में आपको यहां पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें यहां पर स्मार्टफोन के बाकी फीचर्स की, साथ ही कंटेंट कंज्यूम करने के लिए या फिर गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर बढ़िया और बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 6.95 इंचेस की, जहां पर आपको NEG Dynorex का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट दिया गया है। तो इस प्राइस पर आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी काफी अच्छी मिल जाती है, डिस्प्ले से भी कोई शिकायत नहीं आएगी। जहां तक बात है कैमरास की, तो यहाँ पर आपको बैक में 3 कैमरा देखने को मिलेंगे 50+2+2 मेगापिक्सल के, साथ ही 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। देखा जाए तो आपको यहाँ पर एक एवरेज कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, साथ ही आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे बैक कैमरा से 2K तक की 30fps पर और फ्रंट कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। अब बात करते हैं यहाँ पर पावर हाउस की, तो 5000mAh बैटरी के साथ में स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 33W की फास्ट चार्जिंग और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। तो बैटरी मॉड्यूल काफी अच्छा देखने को मिलता है, बैटरी मॉड्यूल से कोई शिकायत नहीं आएगी। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपको गेमिंग के लिए और कंटेंट कंज्यूम करने के लिए ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, तो ऑडियो अच्छी और लाउड मिलने वाली है, तो यहां पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। इन सभी के अलावा प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है, लेकिन दोस्तों बैक में आपको यहां पर मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, तो बैक लुक आपको यहां पर काफी अच्छा मिलने वाला है। साथ ही साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाएंगे और 3.5mm वाला जैक भी देखने को मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों ये फोन आपको एंड्रॉइड 11 पर देखने को मिलेगा, जहां पर आपको XOS 10 देखने को मिलता है। तो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको काफी हद तक बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है अगर हम कंपेयर करेंगे इन्फिनिक्स के पुराने स्मार्टफोन से। तो ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है पहले के मुकाबले में आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस फोन के अंदर आपको यहां पर 3GB तक की वर्चुअल रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब कि अगर आप यहां पर 6 वाला वेरिएंट परचेस करते हैं तो आपको यहां पर टोटल 9GB तक की रैम देखने को मिलेगी।
वहीं पर इसका 8GB वाला वेरियंट अगर आप परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पर टोटल 11GB तक की रैम देखने को मिल जाएगी। हालांकि दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये नॉर्मली आपको 14,000 रुपये की प्राइस पर मिलता है, लेकिन सेल में मिल रहा है 13,000 रुपये की प्राइस पर। साथ ही आपको यहाँ पर बैंक ऑफर्स मिल जा रहे हैं, तो उन्हें अप्लाई करने के बाद आप इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं 12,249 रुपये की प्राइस पर। और 12,000 रुपये के हिसाब से धमाकेदार फ़ोन है, अगर आप चाहें तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। और वैसे दोस्तों आपको यहाँ पर एक और काफ़ी धमाकेदार स्मार्टफोन मिल रहा है, रियलमी का 8i। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आपको अपने फ़ोन को एक्सचेंज करना होगा, या फिर आप चाहें तो अपने किसी भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड से स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 2,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद आप इस स्मार्टफोन को भी 12,000 रुपये की प्राइस पर परचेस कर सकेंगे। जहाँ पर गाइस आपको बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है इन्फिनिक्स नोट 11S की तरह, तो दोनों ही फ़ोन काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है। अगर आप चाहें तो इन दोनों डील्स को यहाँ पर डेफिनेटली इस सेल में ग्रैब कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थी वो टॉप 3 डील्स जो कि आपको 12,000 रुपये की प्राइस पर मिल रहे हैं। और दोस्तों सभी स्मार्टफोन्स फीचर के साथ साथ आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी निकाल कर देने वाले हैं, तो आपको कहीं भी कोई शिकायत नहीं होगी। साथ ही दोस्तों सभी स्मार्टफोन्स के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप इनकी करंट प्राइस भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों उम्मीद है वीडियो भी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।